बाहर क्या खूबसूरत दिन हो रखा है अभी। चलो भाई, इस तरफ बर्फ है। यहाँ कल शाम को ही आए थे। यही है रेलवे स्टेशन। वैसे तो मुझे नहीं लगता है अभी ट्रेन होगा भी। यही है वो प्रतिमा, यहीं से पानी जाता है सबके घरों में भी। एक अलग ही वाइब देता है पानी का साउंड। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं मणिकरण में हूँ और सुबह का अभी 8:30 बज चुका है और फिलहाल मैं अभी छत पे आया हूँ फ्रेश व्रेश होके। अब चल के महादेव का दर्शन करते हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बाकी इधर का व्यू कुछ ऐसा है। ऊपर की तरफ धूप निकला हुआ है पहाड़ पे, इस तरफ बर्फ है ऊपर पहाड़ पे और ये गर्म पानी का भाप है जो नीचे से आ रहा है। चलते हैं महादेव जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लंगर लगता है तो वो खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ गुरुद्वारा में, ये गुरुद्वारा का मंदिर है जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और इधर सामने लंगर है, ये लंगर हॉल है। तो एक्चुअली हम यहाँ कल शाम को ही आए थे और दर्शन करते करते रात हो गया था, इसके वजह से यहाँ पे हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे। तो आज मुझे यहाँ से निकल के जोगिंदर नगर जाना है। एक्चुअली मुझे एक ट्रेन जर्नी करना है हिमाचल के अंदर में। फिलहाल आप ये देखिए सामने का ये व्यू। जय हो महादेव। एक्चुअली फॉग की वजह से सही से दिख भी नहीं रहा होगा। ये सामने नंदी महाराज हैं और ये हमारे महादेव जी रहे। जय भोले शंकर। एक्चुअली इन लोगों को पता चला कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, तो मुझे बोले कि मुझे भी ले लो वीडियो में, तो क्यों नहीं। चलिए यहाँ से निकलते हैं, दर्शन कर लिए हैं। अच्छा सब्सक्राइब। एक्चुअली इस तरफ का जो है आगे जाके ठंड है पानी और इधर गर्म है, और ये देखिए इतना गर्म है कि पानी खौल रहा है। और ये सामने सारे मटके में चावल रखा हुआ है। एक्चुअली गुरुद्वारा का ही चावल है ये सब, और यही चावल यूज होता है गुरुद्वारा में। इसी चावल से लंगर खिलाते हैं गुरुद्वारा में, भर दिन लंगर चलता है, निःशुल्क है। आप आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, घूमिए फिरिए, कोई पैसा नहीं। और इधर भी है एक, और सामने महादेव जी का प्रतिमा है। फॉग की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे जितना भी होटल वगैरह है या घर वगैरह है, कहीं पे मतलब गीजर वगैरह नहीं लगा है पानी गर्म करने के लिए। सब यहीं से कनेक्शन लिए हुए हैं और मतलब यहीं से पानी जाता है सबके घरों में भी, होटल वगैरह में भी। ये देखो आप, महादेव का थोड़ा बहुत अब दिखा है। यही है वो प्रतिमा, क्या खूबसूरत लग रहा है। तो यही कुछ कहानी है यहाँ का। बाकी आप लोग बताओ, हो सकता है मैं जो बताया हूँ वो पूरा स्टोरी ना हो सही, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से जो पता चला वही मैं बताया हूँ। बाकी हो सकता है यहाँ का कुछ और भी स्टोरी हो, तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में बताओ। यहाँ पे ज़्यादातर पंजाब से आते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है ना यहाँ के बारे में। पंजाब के लोगों को ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। यहाँ लंगर खाने के लिए आपको पहले सर ढकना होगा। आपके पास कैप वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कपड़ा लेके सर ढक के लंगर खा सकते हैं आप। चलिए यहाँ बैग रखते हैं। यहाँ पे लोग लंगर खा रहे हैं। सामने से प्लेट लेना होता है, इधर से प्लेट लेते हैं। आपको अपने से ही प्लेट लेके बैठना होता है, वो आके देंगे खाने के लिए। फिर आप खुद ही वहाँ जाके प्लेट साफ करो। चाय भी मिलते हैं, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। चलिए यहाँ से प्लेट व्लेट लेके लंगर खाते हैं। और बाहर का कुछ ऐसा मौसम है। चलिए थोड़ा बाहर से हम दिखलाते हैं आपको। इधर बाहर का जो नदी बहता है नीचे से, ये इस तरफ देखिए, और इस साइड का भी है कुछ। क्या पानी का साउंड है, एक अलग ही वाइब देता है पानी का साउंड। ऊपर धूप निकल चुका है, इस तरफ तो नहीं निकला है। हम आपको तो ढूंढ रहे कैसे अभी उठे आप? मैं उठा, मुझे रात में फीवर आ गया था। अच्छा अच्छा, बात करते करते दवा खाना भूल गया। ओ, वो भाई सोई है, वो सो ही है। नहीं वो उड़ के चला गया कहीं घूमने वामने। एक्चुअली जब हम रात में आए थे तो मेरे साथ एक दो भाई और थे, ये भी भाई है, ये भी ट्रैवलिंग करते हैं। आपका क्या नाम है? बैकपैकर प्रांशु। अच्छा, इनका नाम प्रांशु है, इनका जो चैनल है यूट्यूब पे वो बैकपैकर प्रांशु करके है। अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो चेक करिए इनका भी चैनल, ताकि वीडियो वगैरह देखिए। ये भारत यात्रा कर रहे हैं, हम तो थोड़ा कम करते हैं, बाकी ये भाई अभी नॉन स्टॉप 6 महीना तक कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा पार्ट टाइम करता हूँ। इनसे हम रात में बात किए थे, काफ़ी देर तक बात की, लेकिन जब हम सुबह उठे थे तो ये
सो रहे थे, अभी हम घूम के आए हैं तो ये भी बाहर आ गए। तो अभी हम नीचे से ऊपर आ गए हैं, क्या मस्त का व्यू दिख रहा है। एक्चुअली धूप निकल गया है तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है यहाँ का मौसम। चलिए अब निकलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए तो मणिकरण में ये महादेव जी का टेम्पल भी देख लिए, दर्शन भी कर लिए, और यहाँ पे इस भाई से भी मिल लिए। एक भाई साहब और हैं साइकिल से, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो तो निकल गए हैं अभी ट्रैवलिंग करने शायद। बाकी यहाँ का वाइब काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव वाइब है। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं। बिल्कुल सर, कभी अगर दोबारा फिर से मुलाकात होगा तो जरूर मिलेंगे। इधर से उतना अंधेरा नहीं है, उस तरफ से अंधेरा है। यहाँ लंगर वगैरह बनता है ना? हाँ हम लंगर तो खा लिए भाई, यहाँ का लंगर मुझे मस्त लगा, काफी टेस्टी। वैसे हम यहाँ पे पहली बार लंगर खाए हैं किसी गुरुद्वारा में। लंगर तो हम पहले भी खाए हैं दिल्ली में, जब पढ़ाई करने के लिए रहते थे तो ऐसे कभी फ्रेंड के साथ कोचिंग से निकलते थे तो रास्ते में कहीं लंगर लगा होता था तो हम लोग जाके खाते थे। बाहर क्या खूबसूरत दिन हो रखा है, अभी काफी धूप निकल गया है। चलो भाई मिलते हैं, चलिए चलते हैं बस स्टैंड और निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जोगिंदर नगर। एक्चुअली यहाँ पे कल रात में जब हम स्नान कर रहे थे तो मुझे एक लोकल लड़का ने बताया कि यहाँ पे जो गर्म पानी और ठंडा पानी है वो ऊपर पहाड़ों से आता है। ये वही कहानी है जो हम आपको बताए थे शेषनाग के निकलने का। चलिए अब निकलते हैं मणिकरण से, चलते हैं भुंतर, फिर भुंतर से मुझे मिल जाएगा जोगिंदर नगर के लिए। भुंतर पहुंच गए हैं, अभी समय हो रहा है 12:30। अब भुंतर से मुझे जोगिंदर नगर के लिए बस लेना है। मणिकरण से भुंतर तक का 80 रुपया भाड़ा है। तो अभी तो बस आया नहीं है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक्चुअली एक कैब ले लिए, ये 150 का दिया है। मेरे पास एक कैब था लेकिन जब हम हरिद्वार से निकले थे तो ट्रेन में चढ़ते समय कैब गिर गया था, काफी भीड़ था इसके वजह से गिर गया था। चलिए निकलते हैं यहाँ से। फाइनली इतना देर बस में ट्रैवलिंग करने के बाद अभी जस्ट हम यहाँ पहुँचे हैं। समय तो 5:30 हो गया है। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन, चल के पता करते हैं ट्रेन का। वैसे तो मुझे नहीं लगता है अभी ट्रेन होगा भी। यही है रेलवे स्टेशन, यहाँ तो टिकट काउंटर बंद है। चलिए देखते हैं कोई है तो पता करते हैं। ये बंद है क्या अभी? अच्छा यहाँ से कब ट्रेन चलती है? सुबह में कितने बजे? 10:30 में। तो एक्चुअली उत्तराखंड और हिमाचल जो है ये देवों की भूमि है। यहाँ पे हम देखे हैं काफी ज्यादा भगवान शिव के मंदिर टेंपल जगह जगह पे है, और यहाँ पे लोग भगवानों में विश्वास भी बहुत ज्यादा रखते हैं। मुझे याद है जब मैं हिमाचल में इंटर किया था और फर्स्ट डे था मेरा और बस ट्रिप हम कर रहे थे तो बस में एक भाई साहब मिले थे लोकल, वो हमको बताए थे कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं भगवान में। वही हमको ये ट्रेन जर्नी के बारे में भी बताए थे। चलिए अभी तो ट्रेन है नहीं, मॉर्निंग के समय में ट्रेन है तो यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, तब तक मॉर्निंग में यहाँ से ट्रेन लेके चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, उसके बाद धर्मशाला लेके रेस्ट करेंगे। तो भाई वीडियो तो मैं ख़त्म कर दिया था, बट अभी यहाँ धर्मशाला ढूंढने गए तो एक धर्मशाला मिला, लेकिन वहाँ पे शादी के लिए बुक है अभी धर्मशाला, तो स्टे करने का कोई साधन है नहीं। होटल वगैरह है लेकिन होटल में तो हमें रुकना नहीं है। और पता किया है ट्रेन का, तो ट्रेन जो है यहाँ से पापरोला तक ही जाती है, फिर पापरोला से चेंज करना होता है, बैजनाथ पापरोला से चेंज करना होता है ट्रेन। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से चलते हैं बैजनाथ पापरोला, वहाँ पे तो धर्मशाला में स्टे भी किए थे उधर से आते वक्त, तो वहीं पे स्टे भी कर लेंगे नाइट में, और कल सुबह में पापरोला से ही कर लेंगे ट्रेन जर्नी। चलिए अब यहाँ से बस लेके निकलते हैं।